बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, हरामजादगी की कमी है इस देश में? और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया। ये हथियार चाहिए, 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। MiG-21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, LCA नहीं आया, पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी, जो भी डील करी उन्होंने उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए ना आए कोई बात नहीं साहब, जो VVIP हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा। और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला साहब मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे। दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के, वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये तो ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए, अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल